नाभि में लगा लो ये तेल, बाल यदि सफ़ेद हैं तो होने लगेंगे काले, घुटनों में दर्द से राहत मिलेगी, चेहरे की रंगत साफ होगी, यदि चेहरे में पिंपल्स दाग धब्बे हो गए हैं वो भी ठीक होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगी, और इसके साथ यदि पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, पेट में दर्द रहती है, ये सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये छोटा सा उपाय करने से आप करीब 30 से 40 बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड। तो छोटा सा उपाय आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, और ये नुस्खा बहुत ही पुराना नुस्खा है, हमारे नानी दादी बड़े बुजुर्ग इसका इस्तेमाल किया करते थे और वो लंबी लंबी आयु तक जीते थे, कोई भी बीमारियां उसे नहीं होती थी। यदि आप आज छोटी छोटी उपायों को करते हैं तो आप कल बड़ी से बड़ी बीमारियों के खतरों से बच सकते हैं। आजमाया हुआ नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे अपनी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बाल झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, कब्जियत ठीक होगा फ्रेंड, कब्जियत यदि आपको बहुत ज़्यादा रहती है तो कब्जियत को भी ठीक करने का ताकत रखती है ये। तो आपको बस सही तरीका जानना है कि कौन सा तेल कब डालना है और कौन सा बीमारियों के लिए कौन सा तेल है, तो इन सभी चीज़ आज मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिससे आपको एक छोटी सी उपाय करने से आप बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं फ्रेंड। छोटा सा उपाय है ये, 5 मिनट का वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों तक जो शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले, और आप भी कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा तरह से इसका इन्फॉर्मेशन मिले, और ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पता है ना फ्रेंड आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है कल के डेट में। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत मेहनत से लाती हूँ, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। हेलो एवरीवन, नूतन सुवर्ल्ड डीएम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है फ्रेंड्स। बेली बटन यानी कि नाभि में तेल डालने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, यदि आप रोज़ अपनी नाभि में तेल डालते हैं तो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का ये काम कर सकती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ ही यदि आपके होंठ सूखे हैं, सॉफ्ट करने के लिए आप तेल लगाएं, नाभि में तेल डालें, आप देखेंगे आपके होंठों में जो सूखापन है वो दूर होने लगेगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी होंठ में, चेहरे पर मुहासे दूर होंगे, चेहरे में एक नया ग्लो आएगा। बस आपको रोज़ अपने नाभि में तेल डालना है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस मौसम में कौन सा तेल डालना है, इस चीज़ का आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नाभि में किस मौसम में कौन सा तेल डालें और किस बीमारियों के लिए कौन सा तेल सही रहेगा। जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो गर्मियों के मौसम में आप अपने नाभि में नीम या नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर कील मुहासे आदि बिल्कुल भी नहीं होंगे, और नीम का तेल और नारियल का तेल ये दोनों ही ठंडक प्रदान करती है, यदि आप इसको नाभि में डालते हैं तो ठंडक प्रदान करती है नाभि में, जिससे कि आपके शरीर में कभी भी आपको कहीं भी कील मुहासे और फोड़े फुंसी जैसे समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यदि आप नारियल का तेल डालते हैं नाभि में तो त्वचा को सॉफ्टनेस बनाए रखती है ये, और होंठ भी मुलायम बनाए रखती है। और यदि सर्दियों के मौसम में तेल डालेंगे नाभि में तो उस समय आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, बादाम का तेल डाल सकते हैं, जैतून का तेल डाल सकते हैं, किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं ये तीनों में से। इसके इस्तेमाल से सर्दियों में सूखी त्वचा की समस्या खत्म हो जाती है और चेहरे में एक नया निखार आता है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में यदि आप नाभि में बादाम का तेल डालते हैं तो चेहरे पर बहुत चमक आती है, साथ ही इससे बालों में जो ड्राइनेस आ जाती है वो भी कम हो जाती है, तो बालों को भी बहुत ही अच्छी सिल्की बनाती है ये नाभि में बादाम का तेल डालने से। ये बरसात के मौसम में आपको काफ़ी फायदे हैं। यदि आप हर रोज़ सोने से पहले मात्र 2 बूंद या 3 बूंद नाभि में तेल डालते हैं तो नाभि में रोज़ाना तेल लगाने से आपके फटे हुए होंठ गुलाबी हो जाते हैं, नरम मुलायम हो जाते हैं, और दूसरी बात यदि आंखों में जलन हो रही है, खुजली है, सूखापन भी है तो वो ठीक होता है। नाभि में तेल लगाने से शरीर में किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म होती है। इसके साथ ही सरसों का तेल यदि आप नाभि में लगाते हैं तो आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों से संबंधित कोई भी दर्द हो वो बहुत जल्दी रिलीफ होती है फ्रेंड, क्योंकि नाभि मेन पार्ट होती है, आप जैसे ही नाभि में तेल डालेंगे तो वो बहुत जल्दी असर करना स्टार्ट कर देती है। तो सरसों का तेल आप नाभि में डाल के देखें, आपका घुटनों का दर्द,
जितनी भी हड्डियों में दर्द है वो बहुत ही आसानी से रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। एक सप्ताह में ये वर्क करना शुरू कर देती है फ्रेंड। इसके साथ ही नाभि पर यदि आप सरसों का तेल लगाते हैं तो चेहरे की रंगत भी बढ़ती है, और रोज़ाना नाभि पर यदि आप सरसों का तेल लगाते हैं तो आपको करीब 20 से 30 बीमारियों से ये बचा के रखती है। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे भी ठीक होते हैं। इसके साथ ही पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है, पचाने की शक्ति बढ़ती है, जिससे कि यदि आप पचाने की शक्ति बढ़ेगी तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकेगी, आसानी से खाना पचते चले जाएगा। और इसके साथ ही नाभि में तेल लगाने से अपच, फूड पॉइजनिंग, दस्त, मतली जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। पेट में यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहती है तो पेट के दर्द से भी राहत दिलाती है। इसके साथ ही साथ यदि आपको कब्जियत की शिकायत रहती है तो कब्जियत की शिकायत भी दूर करती है। और यदि आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो बाल झड़ना भी बहुत जल्दी कंट्रोल होती है, क्योंकि ये यदि आप नाभि में डालते हैं ना तेल तो वो बहुत जल्दी वर्क करती है। और इसके साथ यदि आपकी नींद में खराटे आने की बीमारियां हैं तो वो भी ठीक होती है। करीबन 30 बीमारियों को ये बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है यदि आप नाभि में रात को सोते समय आप तेल लगाते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि इसे किस तरह से लगाना है। तो आप पहले सीधा लेट जाएं और उसमें आपको जो भी तेल लगाना है, चाहे सरसों का तेल, बादाम का तेल या फिर घी, घी भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि ये सब कुछ नहीं है तो आप घी तो आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंडा का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, घी हर समय के लिए अच्छी है। घी लगाने से आपको करीब 30 से 40 बीमारियां ठीक होती है। तो आप चाहे घी लगाएं, सरसों का तेल लगाएं या फिर बादाम का तेल लगाएं, इसमें से कुछ भी आप यदि आप नाभि में लगाते हैं तो वो 100% वर्क करती है। तो इसे लगाने का तरीका ये है कि पहले आप सीधा लेट जाएं और उसमें आप घी या सरसों का तेल, दोनों में से कोई भी एक आप नाभि में डालें, और नाभि के बीचों बीच आप डालना है और उसके बाद थोड़ा सा हाथ में लगाना है और उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करीब 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है नाभि के चारों तरफ, और एकदम सीधा लेटे रहना है। नाभि में भी आपको 2-3 बूंद तेल डाल देना है और 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उसे मसाज करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पूरी तरह से मसाज करिए। और फिर 5 से 10 मिनट तक आप सीधा लेटे रहिए और उसके बाद ही आपको करवट लेना है। बस इतना सा आपको करना है रोज़ रात को सोने समय। तो ये 5 से 10 मिनट का उपाय आपको बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाने में हेल्प कर सकती है। आई होप आप सबों के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। ये छोटा सा उपाय काफ़ी फ़ायदा देने वाली है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी मोटिवेशन बने रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूँ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।